बार की जो मतलब जनता की आवाज है वो परिवर्तन चाह रही है। अथक नहीं, जी जान लगा देंगे, चांदपुरा को प्रखंड बनाएंगे। सबसे पहले पंकज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्षेत्र में आए और हमारी आपसे मुलाकात हुई, हम विकास पंचायत के चुनाव को ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूँ पंकज भट्ट। चांदपुर पंचायत यानी चंदपुरा पंचायत जिसे आप कहते हैं, उस चंदपुरा पंचायत का इतिहास रहा है कि पिछले 20 से 25 वर्षों से लगातार एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है पंचायत। हालांकि लोगों का मानना है कि मुखिया जी जो निवर्तमान मुखिया हैं सुरेंद्र सहनी, उनका एक अलग प्रभाव है और वो प्रभाव सभी तरह के प्रभावों से युक्त बताया जा रहा है। चाहे डराने की बात हो, धमकाने की बात हो, लोभ लालच की बात हो, तमाम तरह के आरोपों से ग्रसित चल रहे हैं चंदपुरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया सुरेंद्र सह। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के जब हम चंदपुरा पंचायत पहुंचे और मिले वहां के उम्मीदवारों से, मुखिया उम्मीदवार से, वहां के पंचायत समिति के उम्मीदवार से, तो जो बातें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चंदपुरा पंचायत में जो आबादी है वो सर्वाधिक आबादी सहनी समाज का आता है और सहनी समाज से ही मुखिया लगातार बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग ही मामला सामने निकल करके आ रहा है, क्योंकि सहनी से भी उम्मीदवारी दी गई है और उम्मीदवारी भी ऐसी जो ना को चने चबाने के जैसा दिख रहा है। जी हाँ, ब्रजेश सहनी उन्हीं के बगल में, ठीक बगल में उनका घर है जहाँ निवर्तमान मुखिया सुरेंद्र सहनी का घर है। उनके घर के ठीक बगल के लोग भी उम्मीदवारी दिए हैं और उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों से हम लगातार समाज की सेवा में बने हुए हैं और हमारे पास जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इंग्लिश से ग्रेजुएट है। तमाम तरह के सामाजिक कामों को भी बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए ब्रजेश सहनी। मैं चुनाव लड़ने का जो पक्ष मेरा हुआ, मेरी विचार जो हुई, मैं पिछले 10 वर्षों से चांदपुरा पंचायत में समाज के बीच संघर्ष करता आ रहा है और लगातार सत्ता के द्वारा जो यहाँ की गतिविधि देखी जाती है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, उनकी नियति समाज के प्रति सही नहीं है, सम्मान का अभाव दिख रहा है, जिस तरह से उनको समय और कार्यकाल मिला उसके हिसाब से विकास नहीं दिख रही है, सारे परिस्थिति को देखते हुए लगातार संघर्ष के बाद, समाज में रहने के बाद जब जिस चीज़ को हमने पढ़ा, देखा, समझा और मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है मुझे मैदान में आना, मेरा चुनाव लड़ना समाज के हित के लिए, समाज के सम्मान के लिए, समाज के विकास के लिए, पंचायत की एक अलग पहचान के लिए। अगर यहाँ की जनता, सबसे पहले मैं चांदपुरा पंचायत की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आशीर्वाद लूँगा कि मैं उनके बीच आया और मुझे जिस तरह से सम्मान मिल रहा है, अगर मुझे प्रतिनिधित्व दिया जाता है चांदपुरा पंचायत की, तो मेरा सोच सबसे पहला कि पंचायत में समरसता का माहौल हो, सामाजिक एकजुटता हो, सद्भावना का स्वरूप दिखे और जिस तरह से सरकारी योजना का लाभ होनी चाहिए उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, कहाँ किसको ज़रूरत है वो होनी चाहिए, और योजना के बाद मेरे प्रतिनिधित्व कार्यकाल में जितना संभव हो सकते एक्स्ट्रा सहयोग समाज के बीच, चाहे तन से हो, मन से हो, जिस तरह का सहयोग हो, बिल्कुल प्रयास रहेगा कि यहाँ का माहौल सामाजिक समरसता का हो, सद्भावना का हो, यहाँ समाज बटे ना, एक दूसरे का सम्मान कर सके। मेरी चुनौती तो हम तो यही कहेंगे कि इस बार की जो मतलब जनता की आवाज़ है वो परिवर्तन चाह रही है, तो इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि जनता आशीर्वाद दे और हम परिवर्तन करके दिखाएंगे जनता के सहयोग से।
परिवर्तन हो जाता है तो हम समाज की समानता के बारे में, समानता की बात, अधिकार जो अभी नहीं हो रही है वो करना चाह रहे हैं, सबको समान देना चाह रहे हैं। क्योंकि आप एक महिला हैं तो यहाँ के महिला की जीवन शैली में कुछ बदलाव हो सके? जी जी जरूर होगा। क्या कर देंगे उनके लिए? उनकी जो समस्याएं आएगी उनको हम आगे बढ़ के निपटाएंगे, उनकी जो भी समस्या होगी उसको देखेंगे। जी बिल्कुल संभव है अगर जनता चाहेगी तो, और इस बार पूरा उम्मीद भी है कि मतलब जनता चाह रही है परिवर्तन, तो इस बार जरूर है, निश्चित हो ही जाएगा कि परिवर्तन है, उम्मीद ऐसा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी जनता से? मैं जनता से यही आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस बार हमें वोट रूपी आशीर्वाद दें और एक बार परिवर्तन करके देखें, आगे मौका हमें भी दें, परिवर्तन क्या होता है उसके बाद। आपका परिचय? नाम पूनम कुमारी, पति ब्रजेश कुमार सहनी। और पढ़ाई लिखाई? BA ऑनर्स कर रखी हूँ इंग्लिश। पंचायत चुनाव के जैसे जैसे जिस भी प्रखंड में निकट होते जा रहा है, वैसे वैसे ही न जाने कितनी कितनी बातें को उठा करके लाया जा रहा है। कोई कहते हैं कि सामाजिक प्रेम हम बरकरार रखेंगे, कोई कहते हैं कि समाज का सर्वांगीण विकास करेंगे, कोई कहते हैं कि मैं इस पंचायत में जितना भी विकास हुआ होगा उस विकास से कहीं बेहतर विकास करके दिखाऊंगा। लेकिन एक ऐसे पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं जिन्होंने ठाना है कि अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं पंचायत को प्रखंड भी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत बड़ी सोच है और यह सोच कितना प्रभाव डाल पाती है चंदपुरा निवासियों को, चंदपुरा पंचायत के मतदाताओं को, ये देखने वाली बात होगी कि पंचायत के सर्वांगीण विकास से लेकर के पंचायत को प्रखंड के स्तर तक ले जाने के लिए तैयार प्रतिनिधि के साथ आखिर कैसा सलूक करती है। आइए देखते हैं कि पत्रकार अजय शास्त्री आखिर क्या कुछ कह रहे हैं प्रखंड बनाने को। राजनीति से नहीं, समाज की सेवा, सेवा भाव से, और जो कि 1998 से हम करते आए हैं, 1998 से, कभी स्कूल के माध्यम से, कभी NGO के माध्यम से, कभी पत्रकारिता के माध्यम से, हम समाज के सेवा भाव से आए हैं, न कि कोई राजनीति से। राजनीति अगर करनी होती तो हम भी जिला परिषद से चुनाव लड़ते, हम भी कहने का मतलब विधायक से चुनाव लड़ते, और चूंकि 13 साल से कर रहे हैं तो विधायक की टिकट चाहे कोई छोटे दल की ही क्यों ना हो, हमें टिकट मिली भी थी एक बार मटिहानी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से। राजनीति नहीं, समाज का सेवा और सेवा भाव से चुनाव। अगर आपको जिम्मेदारी जनता देती है तो पहला काम क्या होगा? चांदपुरा को आज नहीं, हम लगभग 1998 से खूब होशियार हुए जब स्कूल चलाने लगे, जब हमको लगा कि नहीं अब हम जो है कुछ जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिम्मेवारी ले सकते हैं। आज से उस समय भोला बाबू विधायक हुआ करते थे बेगूसराय का, भोला बाबू से लेकर के आज हमारे अभी कुंदन सिंह हैं, BJP का रहा, कांग्रेस भी सत्ता में रही, लेकिन तमाम लोगों ने चांदपुरा की जनता से वादा किए और आज भी प्रखंड का नाम लेकर के सभी चुनाव लेकर जीत गए, लेकिन आज तक नया विधायक आए, इनका 1 से 1.5 साल कार्यकाल हुआ, एक चापा कल भी नहीं दिए हैं, छोड़िए। ही तो हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि पंचायती राज के लिए हम पंचायत समिति से हमारी पत्नी लड़ रही है चुनाव, और अगर जनता हमें मौका देती है तो प्रखंड के लिए अथक नहीं जी जान लगा देंगे, चांदपुरा को प्रखंड बनाएंगे।